हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल भाविनी उर्विश एंटरटेनमेंट। तो आज मैं ना दो दिन से उर्विश को बोल रही हूँ कि हम लोग कहीं घूमने चलते हैं थोड़े टाइम के लिए, कहीं यहाँ वहाँ कहीं पे भी चलते हैं, अच्छा लगेगा। बट वो अवॉइड ही कर रहा है कि आज जाएंगे कल जाएंगे, आज जाएंगे कल जाएंगे। तो आज फाइनली मेरा उससे थोड़ी ऐसे मचमच हो गई है और मैं अब जा रही हूँ अकेले। तो मिलती हूँ आपसे अकेले, देखते हैं वो पीछे पीछे आता है या नहीं। मेरी उससे मचमच हो गई है फ़ोन पे ही, अभी पता चलेगा क्या होता है। तो स्टे ट्यून। मैं जैसे ही रेडी होकर निकल रही थी वैसे उर्वेश का कॉल आया और मैंने उसे बताया कि मैं ऐसे जा रही हूँ। तो बोलता है तुम अकेले क्यों जाओगी, मैं भी आऊँगा। तो मैंने बोला क्यों, तुम्हें तो नहीं आना था ना, तुम्हें तो हमेशा बहाने बनाने हैं, तो मैं अकेली जाके आती हूँ कहीं पे घूम के आती। तो अब वो आ गया है और हमारी थोड़ी मचमच होने वाली है, तो देखते हैं क्या होता है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, अब रेडी हो गया है, मैं अकेली जा रही हूँ ना इसीलिए। तो आप देखिए हमारी मचमच। स्टे ट्यून। और मैं ये पहुँच गई हूँ कार में। क्या है, तुम्हें आना नहीं था ना, तुम तो बोल रहे थे कि मुझे नहीं आना है, मैं नहीं आऊंगा, देखते हैं जाते हैं नहीं जाते हैं। मैंने ये कहा था, कुछ नहीं कहा था, मैंने ये कहा था नहीं 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 कुछ भी नहीं, मना ही कर रहा था। कितने दिन से मैं बोल रही थी, दो तीन दिन हो गए कि चलो जाते हैं कहीं पे, जाते हैं कहीं पे। तो नहीं 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 नहीं, इधर ऐसा है ना, मैं आता हूँ ना फिर देखते हैं ना जाते हैं ना। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं कहीं भी नहीं गया था। अच्छा, इसलिए आज अगर निकले हैं तो मैंने बोला जाते हैं, बट तुमने बोला कि मेरा कोई मूड नहीं है। अच्छा, मेरा कोई मूड नहीं है तो मूड नहीं होगा ना, ये देखो ना, अकेले अकेले। फिर मैंने बोला कि जब मैं अकेली जा रही हूँ तो तुरंत रेडी हो गए भाई साहब, अचानक से एकदम से है। तो अकेला कोई क्यों जाएगा, तो अकेला ही जाएगा ना, कोई लेके नहीं जाएगा, तो फिर अकेले तो जाना पड़ेगा ना, घर में बैठ के क्या करेंगे। आप लोगों के साथ भी यही होता होगा मुझे पता है, हर घर में यही होता है, हर घर में यही होता है अकेले चले जाने का। मैं तो यही बोलती हूँ, मैं तो चली ही जाती हूँ, मैं तो आज चली ही जाती हूँ ना, कि जब हस्बैंड को जाना है और वाइफ मना कर दे तो कोई बात नहीं, बट अगर वाइफ को जाना है और अगर हस्बैंड मना कर दे तो बहुत बड़ा इश्यू बन जाता है, बहुत बड़ा पंगा बन जाता है। अरे ऐसा ही होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा ही होता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बोला है किधर नहीं गए है ये बताओ चलो, इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि मैं तो पति हूँ, मैं हमेशा ये बोलता हूँ। नहीं तो क्या हुआ, तो मैं भी तो पत्नी हूँ ना, ऐसा थोड़ी है, अकेले जो पति होता है ना वही बेचारा दुख का मारा होता है। गलत बात, गलत बात, ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ गलत बात नहीं है, सब गलत ही है, ऐसा कुछ होता नहीं है, कोई दुखी नहीं होता है इधर, दुखी की बात नहीं है। जो पति है उसको हमेशा पति है तो दुखी है, पीसना पड़ता है। तो अभी उसमें हम क्या कर सकते हैं, आप लोग पीसो फिर, हम क्या करें। ये देखो रास्ते कैसे खड्डे वाले, तो खड्डे वाले ही होंगे ना, बारिश आके गई है इतनी सारी, खराब हो गए रास्ते सारे। ठीक है, तुमने बताया उनको कि हम कहाँ जा रहे हैं? नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं बताया, मैंने बोला कि हम लोग कहीं घूम के आते हैं, तो अभी बताएंगे कहाँ जा रहे हैं। सो उसके लिए स्टे ट्यून। हेलो एवरीवन, तो हम आ गए हैं एकदम चौपाटी पे, बीच पे। हेलो उर्वेश। हेलो। ये देखो ये नहीं आने वाला था, मैं लेके आई हूँ उसको, क्योंकि मैं अकेले आने वाली थी ना, इसलिए आने ही वाला था, लेकिन तो मेरे पे बिल मत पड़ो। चलो अभी बाय बाय। हाय। ये देखो अभी भी इसका फोन में ही, बस फोन में ही है, मैं इधर हूँ, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है उसको। अरे काम चालू हो तो, काम तो चालू ही रहता है, तो मैं देख रहा था। वो तो हमेशा वही चलता रहता है, फोन में देखो ऐसे देखो, फोन में देखो ऐसे देखो, बस वही चलता रहता है पूरा टाइम। चल अभी बहुत हो गई, अभी हम लोग जा रहे हैं बीच की तरफ। ये ये आ गई तुरंत ही पीछे, तुमको तो खाना नहीं है ना?
मैं बाद में खाऊंगी ना, पर इसमें से तो खाऊंगी ना। एक बाइट तो लो यार, एक बाइट भी नहीं दे रहे हो। चलो एक बाइट ले लो, अभी तुम आई हो साथ में तो आई हो तो हेलो हेलो, तुमको मैं लेके आई हूँ, तुम मुझे नहीं लेके आए हो। ठीक है, खा लो खा लो। हाँ ऐसे बोलना मत, खा लो। एक बात बता रहा हूँ, यहाँ हम लोग आए हैं अक्षर बीच पे, और यहाँ जितने भी हस्बैंड है या बॉयफ्रेंड है वो बेचारे एक ही काम कर रहे हैं, वो है फोटो या वीडियो लेना। ये देखो, ये देख रहे हो यहाँ पे ये कपल, वो बाल झटक रही है, वो उसका वीडियो ले रहे हैं। वहाँ भी वही हाल है, यहाँ भी यही हाल है। जहाँ भी देखोगे हर जगह बेचारे जो ये पति या जो बॉयफ्रेंड है, मुझे लगता है ये लोग इसीलिए साथ लेके आते होंगे यार कि भाई फोटो खींचने के लिए काम आएंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इतना क्लीन है यार ये बीच तो। एक बात की मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये बीच इतना क्लीन है, इतना क्लीन है कि मैं जो बुट्टा खा रहा हूँ वो भी मुझे यहाँ फेंकना मन नहीं कर रहा है। ऐसे भी मैं नहीं फेंकता हूँ, आई विल पुट इट इन द डस्टबिन, बट फिर भी यहाँ का पानी और बीच इतना क्लीन है कि आप यहाँ फैमिली के साथ आ सकते हैं। तो बहुत भाविनी ने यहाँ पे पानी में खेल लिया है और मेरा आधा भुट्टा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, और अभी हम लोग जा रहे हैं, भाविनी को भुट्टा खाना है, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। भाविनी खाना है, देखो यहाँ पे हर हस्बैंड और बॉयफ्रेंड सबकी वीडियो ही ले रहा है, तो यानी उनकी वाइफ का या गर्लफ्रेंड का। देखो ऐसा नहीं है, लोगों का पता नहीं, मेरा तो एक दो लिया, उसके बाद तो फिर मैंने तो इधर के भी लिए सब। सारे वीडियो तो मैंने ही लिए, लेकिन हाँ लेने तो पड़ेंगे ना। देखो साथ में आए, अकेले होते तो अकेले अकेले ले लेते, कुछ भी करते, अभी साथ में आए तो कुछ तो काम कर लो यार। सारे बेचारे जेंट्स यही काम कर रहे इधर, तो अभी क्या करे, जेंट्स को फोटो नहीं खिंचाना है, वीडियो नहीं निकालने। यानी इससे इससे साफ है कि सिर्फ गर्ल्स को ही फोटोज खिंचाने का ज्यादा शौक है, बॉयज को इतना नहीं होता है। बॉयज को भी होता है, पर तुम लोग पता नहीं, तुमको तो शौक है ही नहीं फोटो खिंचाने का, ना ही वीडियो लेने का। मैं तो बोल बोल के थक गई हूँ। नहीं मैं ब्लेम ब्लॉग्स बना रहा हूँ, वही बस है बस। हाँ, वो बहुत हो गया। कर लो सब। वो तो मैं कर ही रहा हूँ। हाँ। मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे इतना प्यार भी दे रहे हैं। हाँ, तो मुझे तो मुझे तो दे ही नहीं रहे। नहीं नहीं दे रहे हैं, बट मुझे तो कुछ ज्यादा ही दे रहे हैं। तो भाविनी क्या खा रही हो? ये स्टार फ्रूट। कैसा है, खट्टा? उसने बोला था मीठा है, पर बहुत खट्टा है, नहीं खाया जा रहा। मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाता क्योंकि ये बहुत कड़कड़ हो गए। बाप रे, खा लो तुम। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं एंड रास्ते में थोड़ा सा काम है वो फिनिश करके फिर हम घर जाएंगे। हम फाइनली पहुँच गए घर और थोड़ा बहुत शॉपिंग कर ली, तो वेरी गुड। गिराओ तो माता जी के लिए कुछ कपड़े वगैरह चुनरी सब ले लिए, वो जैसे हम लोग लगाएंगे आपको दिखा देंगे। तो आज का व्लॉग यही एंड करते हैं क्योंकि अब बहुत थक गए, खाना वाना खाएंगे एंड देन फिर हम लोग देखते हैं क्या करेंगे। तो आज का व्लॉग यही एंड करते हैं, तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ भाविनी उर्वेश एंटरटेनमेंट।